हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विथ राहुल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक LDO मींस लाइट डीजल ऑयल एंड HFO हैवी फ्यूल ऑयल या हैवी फर्नेस ऑयल, इसका हम लोग डिटेल से लाइन डायग्राम पढ़ेंगे और इसका ऑपरेटिंग फ्लोर पे किस प्रकार से हम लोग ऑपरेट करते हैं। ऑयल गन लेने से पहले इसका क्या लाइन डायग्राम है, ऑपरेटिंग फ्लोर पे कौन कौन सा इक्विपमेंट है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट वॉल्व है जिसको हम लोग को ऑपरेट करते हैं, सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ऑटोमाइजेशन एयर के बारे में, आपका LDO का ऑटोमाइजेशन हम लोग किसे करते हैं, एयर से, और HFO का ऑटोमाइजेशन हम लोग ऑटोमाइजिंग स्टीम से करते हैं, तो उसका भी हम लोग लाइन डायग्राम पढ़ेंगे। तो सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं LDO एंड HFO का लाइन डायग्राम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग LDO का लाइन डायग्राम देखते हैं। देखिए, ये आपका LDO टैंक है। LDO टैंक जनरली दो रहता है और आपका HFO टैंक दो एक यूनिट के लिए रहता है। अगर दो यूनिट है तो चार HFO टैंक हो सकता है और दो LDO टैंक रहेगा, ठीक है। तो ये LDO टैंक है। LDO टैंक से आपका जो सक्शन लेता है, ये आपका लाइन में एक मैनुअली आइसोलेटिंग वाल्व रहता है जिसको आप मैनुअली इसको ओपन करना होता है। यहाँ से LDO ऑयल आता है और ये आपका फिल्टर है। सक्शन लाइन में आपका एक फिल्टर लगा रहता है। फिल्टर क्या है, जो भी कंटामिनेशन होता है उसको रिमूव करता है। यहाँ से LDO ऑयल आपका दो पंप है। LDO पंप आपका कितना पंप है, दो पंप है, पंप वन एंड पंप टू। तो एक पंप हम लोग जनरली सर्विस में रखते हैं। अगर आपको LDO से अगर लाइटअप करना है बॉयलर को, तो हम लोग एक गन इसका एक पंप सर्विस में रखते हैं, दूसरा पंप आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रखते हैं। तो हर पंप का अपना एक सक्शन लाइन और एक डिस्चार्ज लाइन होता है। दोनों में आपका क्या रहता है, मैनुअली आइसोलेटिंग वाल्व रहता है। आप इसको ओपन कीजिए, ठीक है। लाइनअप हम लोग दोनों पंप का करके रखते हैं ताकि अगर मान लीजिए कि आपका एक पंप ट्रिप कर जाता है तो दूसरा पंप स्टार्ट हो जाए, ठीक है। दोनों पंप में क्या रहता है, डिस्चार्ज में एक NRV लाइन होता है, एज यूजुअल हर पंप में आपका रहता है। यहाँ से पंप चलता है और यहाँ से देखिए एक दोनों का कॉमन डिस्चार्ज है। कॉमन डिस्चार्ज के बाद देखिए एक लाइन आपका चला जाता है बॉयलर ऑपरेटिंग फ्लोर पे। बॉयलर ऑपरेटिंग फ्लोर पे जाता है, ठीक है, ये लाइन। और एक लाइन देखिए ये रिटर्न टू LDO, रिटर्न टू द टैंक चला जाता है। और इसी में एक प्रेशर कंट्रोल वाल्व होता है जिससे LDO का कितना प्रेशर आपको रखना है ऑपरेटिंग फ्लोर पे वो डिसाइड करता है। तो यहां पे देखिए एक मैनुअली आइसोलेटिंग वाल्व है और एक आपका कंट्रोल वाल्व है। कंट्रोल वाल्व का एक बायपास लाइन होता है। बायपास लाइन जनरली हम लोग इसको क्लोज रखते हैं और प्रेशर जो कंट्रोल करते हैं, मींस जो LDO पंप का जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं इसी कंट्रोल वाल्व से। प्रेशर फ्रॉम LDO प्रेशर कंट्रोलर से आता है इसमें, और इसका हम लोग PNID में हम लोग सेट करते हैं, मान लीजिए 18 kg प्रेशर। यानी आपका जो पंप का अगर फुल पंप चले तो प्रेशर 28 से 30 केजी प्रेशर इसका कैपेसिटी है, ठीक है। तो उतना तो प्रेशर हमको हम लोग को रखना नहीं है। तो क्या करते हैं, इसका इस लाइन का प्रेशर, इस कंट्रोल वाल्व का प्रेशर हम लोग 18 केजी सेट करते हैं। तो क्या होता है कि 18 केजी तो बॉयलर ऑपरेटिंग फ्लोर पे जो प्रेशर जाएगा वो जनरली आपको 70 से 17.5 केजी प्रेशर आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन का जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपका टैंक में जाता है कि इस जो बॉयलर ऑपरेटिंग फ्लोर पे जो प्रेशर है वो 17 केजी के आसपास मेंटेन रहे, ठीक है। और जैसे ही हम लोग इसमें सेट कर दिए 18 केजी, जैसे ही 18 केजी आपका ये कंट्रोल वाल्व उतना ओपन होके इस लाइन का प्रेशर 18 केजी मेंटेन करता है, ठीक है। ऐसे तो इस लाइन का अपना प्रेशर पंप का 28 से 30 केजी है, लेकिन हमको उस इस लाइन में उतना प्रेशर क्यों चाहिए, इसलिए हम लोग इसका प्रेशर इस लाइन से हम लोग कंट्रोल करते हैं। ये कंट्रोल, ये आपका पूरा अरेंजमेंट जो है वह आपका फ्यूल पंप हाउस में ही मिल जाएगा, जहाँ पे आपका ऑयल पंप हाउस है, LDO पंप हाउस है, ये सारा अरेंजमेंट आपका वहीं पे मिलता है। अब मेन जो इंपॉर्टेंट काम है कि बॉयलर ऑपरेटिंग फ्लोर पे जो लाइन जाता है उसमें क्या लाइन डायग्राम है उसको देखिए फ्रेंड्स। वहाँ से जो आपका ये जो लाइन डायग्राम है ये ऑपरेटिंग फायरिंग फ्लोर का है, ठीक है। जनरली आपका 24 मीटर के आसपास होता है ये ऑपरेटिंग फ्लोर। वहाँ पे आपका ये LDO आ रहा है जहाँ पे इसका प्रेशर जनरली हम लोग 17 केजी के आसपास मेंटेन करते हैं।
यहाँ पे एक मैनुअली आइसोलेटिंग वाल्व होता है, जब भी आपको लाइन को चार्ज करना होता है तो इस मैनुअली आइसोलेटिंग वाल्व को हम लोग ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपका एक फ्लो मीटर के थ्रू हम लोग को चार्ज करना होता है। फ्लो मीटर क्या है कि ये रिकॉर्ड फ्लो करता है वाइल फायरिंग, जब फायरिंग होता है कितना एलडीओ आपका कंज्यूम हो रहा है, कितना केजी फ्लो हो रहा है, क्या जनरली फ्लो केजी पर आवर में मेजर करते हैं, तो कितना फ्लो आपका हो रहा है वो ये फ्लो मीटर आपका मेजर करता है। इस फ्लो मीटर का बाईपास वाल्व है, जनरली हम लोग क्लोज रखते हैं इसको। यहां से आपका एक मेन देखिए LOTV जो लाइट ऑयल ट्रिप वाल्व, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसका। जब आपका यूनिट ट्रिप करता है तो ये क्लोज हो जाता है, LOTV आपका क्लोज हो जाता है, MFT ऑपरेट होता है तो LOTV आपका क्लोज हो जाता है, और ये रीसेट तभी होगा। अब इसको बीच में ओपन कीजिएगा तो ओपन नहीं होगा, ये इसको पहले रीसेट करना होता है। और रीसेट कब होता है, ये जब आपका पर्जिंग कंप्लीट हो जाता है। जब आप पर्जिंग करते हैं, जब बॉयलर को आपने डाल दिया पर्जिंग में 5 मिनट या 10 मिनट, जब आपका टाइमर कंप्लीट हो जाता है, पर्जिंग कंप्लीट हो जाता है, तो आप देन यू कैन ओपन LOTV वाल्व्स। उससे पहले आपका LOTV ओपन ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है न्यूमेरिकली ऑपरेटिंग वाल्व होता है, एयर से ऑपरेट होता है, इंस्ट्रूमेंट एयर के थ्रू ये ऑपरेट होता है LOTV। और देखिए ये FSSS, ये क्या, फर्नेस सेफ गैस आपका सुपरवाइजरी सिस्टम FSSS, यहीं से आपका इसमें कमांड आता है MFT का और ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो LOTV के बाद आपका LOCV है, लूब ऑयल सॉरी लाइट ऑयल कंट्रोल वाल्व, जहाँ से हमको प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। देखिए एक तो प्रेशर कंट्रोल आपका पंप हाउस में ही होता है और एक प्रेशर कंट्रोल हम लोग यहाँ से करते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, इसका एक बाईपास वाल्व है जो कि जनरली ये क्लोज रहता है ये, ठीक है। और LOCV को क्या करते हैं, जब आपका LOTV ओपन हो जाता है देन यू कैन ऑपरेट LOCV। LOCV को ऑपरेट करके हम लोग जनरली प्रेशर को गन लेने से पहले प्रेशर को जनरली हम लोग 14 kg से 15 kg कर लेते हैं मैनुअली, ठीक है। यहां से आने के बाद देखिए प्रेशर जनरली 12 kg 13 kg हम लोग मेंटेन करते हैं, और यहां से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक आपका कॉर्नर 1 से कॉर्नर 4 तरफ जाता है, एक आपका कॉर्नर 2 से कॉर्नर 3 तरफ जाता है, ऐसे करके आता है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 1 से 4 और एक लाइन 2 से 3 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये LOCV जो होता है ये फायरिंग के समय आपको कितना प्रेशर मेंटेन रखना है वो ये कंट्रोल करता है। यानी गन लेने से पहले आपका प्रेशर 14 से 15 केजी रख लिए, जब आपका गन आ जाता है एक बार फिर हम लोग को प्रेशर को इसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करके हम जनरली हम लोग 6.5 से 7 kg मेंटेन करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ऑयल कंजम्पशन। तो गन लेने के समय प्रेशर हाई रखिए, लेकिन जब आपका एक बार गन सर्विस में आ जाए फिर आप प्रेशर को रिड्यूस करके इस कंट्रोल वाल्व को थोड़ा क्लोज करके 6.5 से 7 kg मेंटेन कर लीजिए। कहीं कहीं इसको हम लोग ऑटो में भी डाल देते हैं, ऑटो में इसका PNID में जाके और इसका सेट पॉइंट डाल देते हैं 7 kg, तो आपको क्या करेगा ये ऑटो में आपका जो गन का प्रेशर है वो 6.5 से 7 केजी आपका मेंटेन करेगा। तो ये आपका ऑपरेटिंग फ्लोर पे LDO का लाइन डायग्राम था। तो इसमें आपका जनरली दो मेन इंपॉर्टेंट वाल्व है, एक LOTV एंड LOCV। LOTV कब ओपन होगा फ्रेंड्स, जब आपका पर्जिंग कंप्लीट हो जाता है देन यू कैन ओपन LOTV। ये बंद कब होगा, जब आपका MFT ऑपरेट हो जाता है तो ये क्लोज हो जाता है। LOCV का क्या काम है, गन के प्रेशर को कंट्रोल करना, आपको कितना प्रेशर यहाँ पे रखना है उसको कंट्रोल होता है LOCV से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि HFO लाइन डायग्राम के बारे में। लाइक LDO देयर इज आल्सो ए HFO टैंक। जनरली आपका अगर 2 यूनिट का प्लांट है तो 2 LDO पंप रहता है टैंक और 2 HFO टैंक रहता है, ठीक है। तो इसमें भी आपका क्या होता है, सेक्शन में एक आपका मैनुअल एस्पिरेटिंग वाल्व रहता है जिसको हम लोग ओपन कंडीशन में रखते हैं, ऑलवेज लाइनअप कंडीशन में। वहां से ऑयल आता है आपका फिल्टर में। फिल्टर का क्या काम है, सेम कि आपका जो भी सेडिमेंटेशन है या कंटामिनेशन है उसको रिमूव करता है ये। वहां से आपका 2 पंप है, HFO पंप आपका 2 पंप होता है, 1 यूनिट के लिए 2 यूनिट के लिए आपका टोटल 4 HFO पंप होता है। तो अगर आप देखिएगा 2 आपका LDO पंप रहेगा और 4 आपका HFO पंप रहता है,
कोई एक पंप भी चलने से आपका दोनों यूनिट, अगर दो यूनिट है तो दोनों यूनिट आपका प्रेशर मेंटेन होता है। तो यहाँ पे दो एचएफओ पंप में है, तो इसमें कोई एक पंप ही आपका सर्विस में रहता है, दूसरा पंप आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। अगर एक पंप ट्रिप करता है तो स्टैंड बाय हम लोग एसएलसी ऑन रखते हैं, वहां से क्या होता है दूसरा पंप ऑटो में स्टार्ट हो जाता है। पंप का एक सक्शन लाइन होता है, एक डिस्चार्ज लाइन होता है, और डिस्चार्ज लाइन में आपका क्या रहता है एनआरबी लगा रहता है। इस पंप का जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है वो 30 से 32 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यहाँ से दोनों का कॉमन डिस्चार्ज है, कॉमन डिस्चार्ज के बाद ये एचएफओ हीटर में जाता है, हीटर का एक सेट होता है वहां पे आपका हीटिंग करने के लिए जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग एचएफओ में हीटर का यूज क्यों करते हैं, जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग लास्ट वीडियो में देखे होंगे कि एचएफओ का जो काइनेटिक विस्कोसिटी होता है वो 180 से 250 के आसपास होता है। तो इसका काइनेटिक विस्कोसिटी इतना ज्यादा होता है, हाईली विस्कस होता है, ये फ्लो ही नहीं करता। इसको फ्लो करने के लिए हम लोग हीट करना पड़ता है, इसको हीट करके हम लोग 55 से 60 डिग्री के आसपास लाते हैं हीटिंग करके, और तब इसमें फ्लो एबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। तो एचएफओ का हाई विस्कस होने के कारण हम लोग इसको एचएफओ को पहले हीट करते हैं, हीटिंग में डालते हैं। तो देखते हैं इसको हीटिंग का क्या अरेंजमेंट। फ्रेंड्स जब एचएफओ पंप से जब एक लाइन निकलता है तो यहां से एक रिटर्निंग लाइन क्या है जो कि आपका टैंक में जाता है, और यहीं पे एक आपका प्रेशर कंट्रोल वाल्व है, फ्रॉम एचएफओ हेडर प्रेशर कंट्रोल एक सिग्नल आता है कि कितना आपको इधर इस लाइन में आपको कितना प्रेशर रखना है, उसके हिसाब से हम लोग इसमें सेट पॉइंट डाल देते हैं। यदि आपका एचएफओ पंप का प्रेशर कितना है 32, तो इधर आपको 32 नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं इसके इसके कंट्रोल वाल्व के पीआईडी में हम लोग सेट डाल देते हैं 19 kg, मान लीजिए 19 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस लाइन का प्रेशर ये 19 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मेंटेन करेगा। जैसे इस लाइन का प्रेशर बढ़ना शुरू करेगा, ये कंट्रोल वाल्व ओपन होके इस लाइन का प्रेशर 19 से 20 केजी मेंटेन रखता है। तो जितना आप इसमें सेट डालेगा उसके हिसाब से इस हेडर लाइन जो आपका बॉयलर की तरफ जा रहा है उस लाइन का प्रेशर 19 से 20 kg, आप जैसे आप अगर 22 सेट कर दीजिए तो 22 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मेंटेन रहेगा। यहां से क्या करता है कि फ्रेंड चूंकि एचएफओ आपका हाईली विस्कस ऑयल है, इसलिए हम लोग पहले इसको हीट करते हैं। हीट करने के लिए आपका दो हीटर लगा रहता है, हीटर ए एंड हीटर बी। इस हीटर में आपका हीटिंग करने के लिए जाता है। यहां पे हीटिंग कौन करता है, फ्रॉम एलडी स्टीम हेडर, आपका पीआरडीएस लाइन से एक लाइन टैपिंग जाता है जो आपका फ्यूल ऑयल पंप हाउस में जाता है, जिसका प्रेशर याद रखिए फ्रेंड्स 10.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टेम्परेचर 250°C हम लोग मेंटेन करते हैं। फ्लो तो यूनिट टू यूनिट आपका वेरी करता है, 2000 से 2100 kg पर आवर हम लोग फ्लो मेंटेन करते हैं। ये आपका यूनिट के कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो आपको डेली प्रेशर और टेम्परेचर मेन फैक्टर है। यहां से क्या होता है आपका देखिए दो लाइन है, अलग अलग हीटर के लिए अलग अलग टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व है। ओके, तो ये जो टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व है और इसका एक बायपास लाइन है, ये टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व और इसका एक बायपास लाइन है, दोनों हीटर के लिए अलग अलग टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व है। तो इसमें जो सिग्नल आता है टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व में, ये एचएफओ टेम्परेचर कंट्रोल, कितना आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना है, कितना आपको टेम्परेचर चाहिए, उसके हिसाब से ये क्या होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है इसमें। यानी हम क्या करते हैं इसका प्रेशर 3.5 से 8 केजी मेंटेन रखते हैं और टेम्परेचर 250 के आसपास मेंटेन रखते हैं। यहां से ये जाता है आपका हीटर में, यहां से कोई एक हीटर ही क्या होता है सर्विस में हम लोग रखते हैं, और यहां से क्या होता है इसका हीटिंग करता है। अब तक क्या होता है हीटर का जो एचएफओ का जो टेम्परेचर इस हीटर से दोनों कॉमन होते हुए आपका ये बॉयलर चला जाता है, और बॉयलर के ऑपरेटिंग फ्लोर 24 मीटर पे ये आता है। तो ये भी इसका जो टेम्परेचर जो होता है वो आपका जो एचएफओ का टेम्परेचर जो बॉयलर के ऑपरेटिंग फ्लोर में आता है वो 60 से 65 डिग्री हम लोग मेंटेन करते हैं, क्योंकि इसका फ्लैश पॉइंट जो होता है वो आपका 66 डिग्री के आसपास होता है, तो उसके आसपास हम लोग इसमें मेंटेन करते हैं। और इसका प्रेशर जो होता है एचएफओ का प्रेशर वो 19 से 20 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग रखते हैं। तो यहां से क्या होगा हम लोग एचएफओ पंप से आपका हीटर में जाता है, हीटर में इसका टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते हैं, और इंक्रीज करने के बाद आपका फिर ये बॉयलर में आता है। दिस इज द लाइन डायग्राम ऑफ एचएफओ फायरिंग ऑपरेटिंग फायरिंग फ्लोर का। ये देखिए, ये फिर मैंने बताया था कि एचएफओ हीटिंग के बाद आपका एचएफओ लाइन फ्रॉम पंप हाउस ही आता है,
यहाँ पे आपको लाइन अप करना होता है। जब आपको ऑयल गन सर्विस में लेना होता है तो बोलता है कि आप इसको लाइन अप कीजिए। लाइन अप करने का मतलब क्या होता है कि ये जो आपका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व जो है इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे प्रेशर जनरली आपको 20 kg/cm², वहां पे आपका गेज है, यहाँ पे एक गेज लगा हुआ है, इस गेज में आपको प्रेशर दिखा देगा कहाँ 20 kg/cm² आ गया। यहां से देखिए इस लाइन को भी हम लोग छोड़ते हैं, यहां से क्या होता है ये फिल्टर में आता है, दो आपका फिल्टर लगा हुआ है जो कंटामिनेशन जो भी है वो सबको रिमूव करता है, और इसमें एक फिल्टर का बायपास लाइन भी है। यहाँ पे अगर डीपी इसका 0.7 पे एक अलार्म सेट कर दिया गया, अगर इसका प्रेशर डीपी डिफरेंशियल प्रेशर दिस एंड दिस अगर 0.7 आ जाता है तो अलार्म आता है। यहाँ से इसमें एक फिल्टर आपका सर्विस में रहता है, दूसरा फिल्टर आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। यहां से आने के बाद देखिए यहाँ पे आपका फ्लो मीटर लगा हुआ है, फ्लो मीटर, और फ्लो मीटर का ये बायपास वाल्व होता है। फ्लो मीटर का क्या काम होता है कि रिकॉर्ड फ्लो वाइल फायरिंग, जब आपका एचएफओ सर्विस में होता है कितना एचएफओ का यूज हो चुका है, कितना एचएफओ कंज्यूम हुआ है, यहां से आपका इसका फ्लो मीटर दिखाते रहता है। फ्लो मीटर के बाद आपका एचओटीबी में जाता है, हैवी ऑयल ट्रिप वाल्व, बड़ा इंपॉर्टेंट काम। जैसे इसका एलडीओ में क्या आता है एलओटीबी, उसी प्रकार एचएफओ में एचओटीबी है। इसका क्या काम है कि ये जैसे ही F SSS है, देखिए फर्नेस सेफगार्ड सुपरवाइजरी सिस्टम के तहत जैसे ही यूनिट आपका ट्रिप करता है, बॉयलर में MFT आता है किसी भी कारण से, तो HOTB आपका क्लोज हो जाता है। फिर आप HOTB को ऑपरेट नहीं करने के लिए देगा। फिर HOTB आप इसको ओपन कब कीजिएगा, जब आपका पर्जिंग कंप्लीट हो जाता है। पर्जिंग कंप्लीट होने के बाद MFT रिसेट होने के बाद आपका HOTB में आप ओपन कमांड दे सकते हैं। तो HOTB आप तब उसके बाद आपका पर्जिंग हो जाए, MFT रिसेट हो जाए, देन यू कैन ओपन द HOTB। फिर इस HOTB को आप फुल ओपन कर दीजिए, ठीक है। ये आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटिंग वाल्व होता है, इसमें इंस्ट्रूमेंट एयर के थ्रू इसमें कंट्रोल होता है। यहां से आपका HOCB में जाता है, जैसे वहां पे क्या था LDO में LOCB था, यहां पे HOCB है, ये न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व होता है। इसका मेन है कि LDO हेडर फ्लो कंट्रोल, आपको कितना फ्लो कंट्रोल करना है, कितना आपको ऑपरेटिंग फ्लोर में कितना प्रेशर आपको रखना है, आप इसको यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ये आपका फुल ओपन हो जाता है और यहां से इसको हम लोग ऑयल प्रेशर को ऑयल फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ये इसका बायपास वाल्व जनरली हम लोग क्लोज कंडीशन में रखते हैं। देखिए बायपास जनरली सब क्लोज कंडीशन में ही रहता है। यहां से आपका ऑयल आता है LOCB से ओपन करने के बाद, पहले आप HOTB ओपन कीजिए, देन आप HOCB को आप ओपन कर लीजिए। जब भी ऑयल गन को फायरिंग करना है तो फायरिंग के समय हम लोग प्रेशर जनरली 14 kg तक ले जाते हैं, 14-15 kg तक हम लोग इसको लेके चले जाते हैं। जब एक बार गन सर्विस में आ जाता है देन आप 7-8 kg आप उसको मेंटेन कीजिए। यहां से ऑयल आने के बाद क्या होता है कि यहां देखिए इस लाइन को देखिए, एक लाइन आपका नीचे जा रहा है, एक लाइन देखिए यहां पे जा रहा है। यहां पे क्या होता है कि कॉर्नर 2 से होता हुआ आपका कॉर्नर 2 कॉर्नर 3 कॉर्नर 4 एंड कॉर्नर 1 की तरफ आता है। और ये क्या होता है कि अगर आपका ऑयल का मान लीजिए अगर 4 एलिवेशन है तो AB में भी चला गया, फिर CD चला गया, EF और GH में चला जाता है, चारों कॉर्नर में आपका टैपिंग है, चारों कॉर्नर में आपका रोटेट हो जाता है। तो AB में चला गया, CD में चला गया, EF में चला गया, GH में चला गया, अगर आपका JK एलिवेशन है तो JK में भी आपका चला जाएगा, ये ठीक है। यहां से होता हुआ ये एक एलिवेशन का पिक्चर है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से ये मैंने AB एलिवेशन का दिखाया। सिमिलरली आपका CD एलिवेशन में भी आपका चारों कॉर्नर में जाएगा, फिर EF में भी आपका चारों कॉर्नर में जाएगा, GH में भी आपका चारों कॉर्नर में जाएगा। चारों कॉर्नर से आने के बाद देखिए ये लाइन यहां पे आता है और एक लाइन देखिए यहां पे भी आता है। देखिए इस वाल्व का ये 3-way वाल्व होता है, 3-way वाल्व कहते हैं, इसमें 3 पोर्ट होता है। देखिए port 1, port 2, port and 3 port, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसका। इसको हम कहते हैं HORV, हैवी ऑयल रिटर्न वाल्व। बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इसमें, किसमें देखिए 3 पोर्ट है, तीनों पोर्ट का देखिए क्या काम है। जो ये जो लाइन है, जब आप मान लीजिए कि ऑयल गन आप सर्विस में ले रहे हैं, सपोज कीजिए आपने ऑयल गन सर्विस में लिया तो क्या होगा, आपका ये पोर्ट क्लोज हो जाएगा। 3 पोर्ट में कोई 2 पोर्ट ही लाइनअप रहेगा, तीसरा पोर्ट आपका क्लोज रहेगा कोई भी। तो मान लीजिए आपने जब फायरिंग करता है, फायरिंग आपने लिया ऑयल गन सर्विस में लिया, तो आपका जो ये 3 पोर्ट जो आपका रिटर्न में जा रहा है ये पोर्ट आपका क्लोज हो जाएगा, और ये ऑयल यहां से भी जाएगा और ये ऑयल यहां पोर्ट 2 के थ्रू भी 1 और 2 कनेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 के थ्रू भी आपका पूरा प्रेशराइज करके रखेगा, ठीक है, क्योंकि आपका रिटर्न लाइन क्लोज हो चुका है। तो ये जो सप्लाई लाइन का जो है ये पूरा प्रेशराइज होके मेंटेन रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आपका ऑयल गन सर्विस में नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स,
जब आपका फ्रेंड ऑयल गन सर्विस में नहीं है तो ये आपका रिटर्न लाइन के थ्रू काम करेगा, तब आपका पोर्ट वन क्लोज हो जाएगा। तब क्या होगा, ये ऑयल इधर से होता हुआ इधर एचओआरबी टू और थ्री कनेक्ट हो जाएगा, थ्री ओपन हो जाएगा, उसमें पोर्ट वन क्लोज हो जाएगा और पोर्ट और टू एंड थ्री कनेक्ट होके ऑयल आपका रिटर्न में चला जाएगा। फ्रेंड समझ गए, एक बार फिर हम लोग देखते हैं, जब आप ऑयल गन सर्विस में लेते हैं तो आपका कौन सा पोर्ट क्लोज रहेगा, पोर्ट क्लोज पोर्ट थ्री, थ्री पोर्ट क्लोज रहेगा। कब, आपका वाइल फायरिंग एंड ड्यूरिंग एमएफटी। आपका क्या होगा, यहां से भी एचएफ हो जाएगा और यहां वन और टू भी कनेक्ट हो जाएगा और वन और टू के थ्रू भी आपका सप्लाई होगा, मतलब पूरा ये लाइन आपको, तो उसमें प्रेशर मेंटेन रखना है, आपको रिटर्न में क्यों ऑयल भेजना, तो आपको प्रेशर मेंटेन करने के लिए आपका वन और टू से वन और टू कनेक्ट हो जाएगा, पूरा ऑयल प्रेशराइज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तब उस समय ये सप्लाई की तरह काम करेगा। जब आप ऑयल गन सर्विस में नहीं लेते हैं तो क्या होगा, पोर्ट वन क्लोज हो जाएगा, क्लोज पोर्ट वन का फॉर इनिशियल वार्म अप एंड ड्यूरिंग नॉट फायरिंग। तो इसमें पोर्ट वन क्लोज रहेगा, तब पोर्ट थ्री ओपन हो जाएगा। तब क्या होगा, तब ऑयल का फ्लो कैसे होगा, फ्लो ऐसा होता हुआ, ये पोर्ट तो क्लोज है, तब इधर से होता हुआ कॉर्नर से पूरा घूमता हुआ आपका पोर्ट टू और पोर्ट थ्री कनेक्ट होके आपका रिटर्न लाइन में चला जाएगा। तो यहां से जो रिटर्न लाइन होता है, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग रीसर्कुलेशन लाइन कहते हैं इसको, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इस टाइप से अगर आपका रिटर्न हो रहा है, जब आपका ऑयल गन सर्विस में नहीं है तो ऑयल इस तरह से रिटर्न होगा एचओआरबी के थ्रू, टू से थ्री पोर्ट कनेक्ट होगा और यहां से आपका रिटर्न हो जाएगा एचएफओ रिटर्न टू टैंक। यहां प्रेशर आपको जेनरली बहुत ही कम रहता है, 3-4 kg के आसपास रहता है। तो यहां से जो ऑयल रिटर्न हो रहा है जिसको कहते हैं हम लोग लॉन्ग रीसर्कुलेशन लाइन कहते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए इस लाइन का देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। यहां देखिए फ्रेंड्स मोटराइज वाल्व लगा हुआ है, HO48 इसका नाम दिया हुआ है, आपके प्लांट में कुछ और इसका नेम होगा। यहां पे क्या होता है, इसको अगर मोटराइज वाल्व को हम लोग, ये इंचिंग वाल्व है, जस्ट लाइक ए कंट्रोल वाल्व की तरह ये वर्क करता है। तो जब आप इनिशियल वार्म अप करते हैं तो इसको हम लोग फुल ओपन कर देते हैं। फुल ओपन करने से क्या होता है कि ये ऑयल यहां से आके ये ऑयल सीधा आपका टैंक में चला जाएगा, इधर तो जाएगा क्योंकि आपका एनआरबी लगा हुआ है, इधर तो फ्लो होगा नहीं। ये ऑयल क्या होता है, यहां से होता हुआ आपका इधर चला जाता है, इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट रीसर्कुलेशन। आपका पूरा फायरिंग फ्लोर तरफ जाएगा ही नहीं, सीधा यहां से ही आपका रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और जब आपका ऐसे नॉर्मल कंडीशन में हम इसको 10% ओपन रखते हैं ताकि कंटिन्यूअस रीसर्कुलेशन के लिए क्या होता है, मोटराइज वाल्व हम लोग ओपन करते हैं, ये दिस इज अ इंचिंग वाल्व एंड इट वर्क्स लाइक ए कंट्रोल वाल्व, यहां से आपका चला जाता है। ये यहां से अगर रिटर्न हो रहा है दिस इज लॉन्ग रीसर्कुलेशन, और यहां से डायरेक्ट आपका रिटर्न हो रहा है, आपका कॉर्नर वॉर्नर में नहीं जा रहा है, तो यहां से इसको कहते हैं शॉर्ट रीसर्कुलेशन। देखिए दोनों लाइन आपका क्या हो रहा है, मिल रहा है, यहां से रिटर्न हो गया दिस इज शॉर्ट रीसर्कुलेशन, और यहां से पूरा एचओटीबी एलओसीबी एचओसीबी होता हुआ कॉर्नर से होता हुआ एचओबी से होता हुआ अगर रिटर्न हो रहा है टैंक में, इसको कहते हैं लॉन्ग रीसर्कुलेशन लाइन। तो फ्रेंड ये आपका लाइन डायग्राम है एचओ ऑपरेटिंग फायरिंग फ्लोर का, और ये वाला इंपॉर्टेंट काम होता है। आपको जैसे गन सर्विस में लेना है तो आपको एचओटीबी कब ओपन होगा, एचओसीबी कब ओपन होता है, एचओआरबी का क्या काम है, ये थ्री पोर्ट किस प्रकार से काम करता है, तो फ्रेंड्स अभी आपको एक आइडिया लग गया होगा। फ्रेंड्स ऑटोमाइजेशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एलडीओ का ऑटोमाइजेशन हम लोग एयर से करते हैं और एचएफओ का ऑटोमाइजेशन हम लोग या एलएसएचएस का ऑटोमाइजेशन हम लोग स्टीम से करते हैं। तो देखते हैं ऑटोमाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखिए ऑटोमाइजेशन ब्रेक द फ्यूल इनटू फाइन पार्टिकल्स। ऑटोमाइजेशन क्या करता है कि फ्यूल को एक फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक करता है दैट रेडियली मिक्स विथ एयर और स्टीम फॉर कम्बशन, ताकि आपका एयर उसके साथ प्रॉपरली मिक्स हो जाए। फ्यूल जैसे फ्यूल है उसको फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करता है ताकि वो एयर के साथ प्रॉपर मिक्स होके अच्छे से कंबशन हो सके। ऑयल शुड डिवाइडेड अप इनटू स्मॉल पार्टिकल्स फॉर इफिशियंट एटमाइजेशन। ऑयल को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड हो जाना चाहिए फॉर इफेक्टिव एटमाइजेशन। का मतलब क्या होता है कि ऑयल शुड बी डिवाइडेड इंटू स्मॉल पार्टिकल्स। देखिए इससे फायदा क्या होता है, आपको कंप्लीट कंबशन होता है। कंप्लीट कंबशन इज एश्योर्ड बाय the ability of the small particles to penetrate turbulent combustion. आपका combustion proper mix होता है, fine particle
आपका बनता है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स बनता है, तो उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन क्या होता है आपका एयर का होता है, एयर उसके साथ प्रॉपरली मिक्स होकर अच्छे से कंबशन होता है, इसलिए हम लोग ऑटोमाइजेशन करते हैं। फ्रेंड उसमें हम लोग एयर का जो प्रेशर रखते हैं एलडीओ के केस में वो 6 से 7 केजी प्रेशर रखते हैं, याद रखिएगा इसको। और स्टीम जो हम लोग यूज करते हैं किसमें, एचएफओ के केस में, उसमें हम लोग जो उसका प्रेशर जो रखते हैं वो जल्दी 10 से 11 केजी प्रेशर रखते हैं और उसका टेम्परेचर 250 डिग्री सी के आसपास मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड इस वीडियो में आपने देखा कि एलडीओ का लाइन डायग्राम क्या है, एचएफओ का लाइन डायग्राम क्या है, ऑपरेटिंग फ्लोर पे हम लोग कौन कौन सा वाल्व ओपन करते हैं लाइटअप के समय और उसका ऑटोमाइजेशन क्या चीज होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और डाउट हो तो कमेंट आप कर ही सकते हैं। थैंक यू।